नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात। उत्तराखंड में अंत्योदय परिवारों के लिए ये सौगात लेकर आई है धामी सरकार। 3 फ्री सिलेंडर योजना की अवधि 2027 तक बढ़ा दी जाएगी। बता दें आपको, 1,84,000 परिवारों को इस तरह से फायदा मिलेगा, लाभ पहुंचेगा। 3 फ्री सिलेंडर योजना, इसकी योजना की अवधि 2027 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 1,84,000 परिवारों को यानी कि 3-3 फ्री गैस सिलेंडर इस योजना के तहत 2027 तक मिलते रहेंगे। 1,84,000 लाभार्थी रहेंगे, लाभार्थी परिवार, जिनको ये फायदा मिलता रहेगा, ये लाभ मिलता रहेगा। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, धामी सरकार की तरफ से लिया गया ये अहम फैसला। अंत्योदय परिवारों के लिए ये सौगात लेकर आई है धामी सरकार, और इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि 2027 तक इस योजना को कंटिन्यू किया जाए, जिस योजना के तहत 3-3 फ्री में गैस के सिलेंडर दिए जाते हैं। अंत्योदय परिवारों के लिए, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है धामी सरकार की तरफ से। यानी कि कुल मिलाकर अभी 3-3.5 साल और इस अवधि को, इस योजना की अवधि को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। 2027 तक फ्री में 3-3 गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। अंत्योदय परिवारों के लिए ये बड़ी सौगात धामी सरकार की तरफ से। वही चारधाम यात्रा ने फिर से पकड़ी रफ्तार। दूसरे चरण की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं तमाम भक्तगण, तमाम श्रद्धालु। हर दिन तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में इस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या 37,27,000 के पार जा पहुंची है। कुल मिलाकर इस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर से अपने शबाब पर लौटती हुई नजर आ रही है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती हुई, ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए। हालांकि मानसून की बौछार के चलते करीब 2 महीने यात्रा की जो रफ्तार थी वो काफी हद तक धीमी हो गई थी, क्योंकि मौसम खराब हो गया था, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ गई थी। इस वजह से ये यात्रा धीमी हो गई थी, इस यात्रा की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था। लेकिन अब एक बार फिर मानो चारधाम यात्रा अपने रंग में वापस लौट आई है, अपने शराब पर वापस लौट आई है। अब तक 35,27,101 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन की बात करें तो 10,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, और अभी ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद। हरीश खनेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। हरीश, चारधाम यात्रा ने फिर से पकड़ ली रफ्तार, किस तरह का माहौल? देखिए सुधा, जिस तरह से प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही थी, यानी शुरुआती दौर की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार और भगवान डॉक्टर विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन इस बार की बात करें तो बरसात होने के कारण और जो रास्ते चौक होने के कारण जो यात्रा है वो धीमी हुई है। और इस समय की अगर बात करें तो ये समय सितंबर लास्ट है, और ऐसे में अब कहीं जो बारिश है, बारिश भी कम हो चुकी है और मानसून भी वापसी की कगार पे है। तो ऐसे में तमाम जगहों से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ा जोश इस समय लोगों में दिख रहा है, क्योंकि अब सड़कें भी दुरुस्त हो रही हैं और धीरे धीरे जो यात्रा है वो अपने चरम पर आ रही है। प्रत्येक दिन की अगर बात की जाए तो लगभग 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो दर्शन के लिए, चारधाम के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री सहित तमाम जगहों पर भी जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हरीश, जबरदस्त भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से वहां पर है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जो चारधाम यात्रा इस समय प्रदेश में चल रही है और इसको कंट्रोल करने की, क्योंकि पहले से ही जो लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, तहसील प्रशासन हो, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं और जितने भी जो टीमें हैं वो सब पहले से ही लगी हुई हैं, और इसके अलावा जो यात्रा पड़ाव हैं वहां पर भी ड्यूटियां सबकी लगी हुई हैं। तो चाहे वो वाहन हो, व्हीकल हो,
इसके साथ ही लोग पैदल यात्री हैं तो सबको कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि अभी की बात करें तो अब फिर से जो संख्या है उसमें इजाफा होने की संभावना है और ये माना जा रहा है क्योंकि इस समय श्राद्ध भी यहाँ पर हो रहा है तो श्राद्ध के समय से भी जो रावण कपाल है यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पिंडदान करते हैं तो बद्रीनाथ में भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपने चारों धाम की जो रौनक है वो एक बार फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। हरीश आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वही उत्तराखंड में बारिश ने फिर से मुसीबत को बढ़ा दिया है। देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसी कड़ी में बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज भी जबरदस्त बारिश हो सकती है, ये चेतावनी, ये अलर्ट जारी किया गया है। देर रात से बारिश का दौर ऑलरेडी चल ही रहा है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 30 सितंबर तक मौसम यूं ही वहां पर बिगड़ा रहेगा। भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 30 सितंबर तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। कई दिनों से ऑलरेडी वहां पर जो धूप चटक रही थी उसकी वजह से जो गर्मी पड़ रही थी, कल जो बारिश हुई उसने राहत दी और वो राहत आज भी जारी है और तकरीबन ये 30 सितंबर तक जारी रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जबकि देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य जिलों में जगह जगह तीव्र बारिश होने के आसार है। हरीश खन्ना हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरीश, कुल मिलाकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया, लोग कितने अलर्ट मोड पर? बिल्कुल देखिए शिल्पा, क्योंकि मानसून अभी जारी है और ऐसे में प्रदेश की अगर बात की जाए तो अभी प्रदेश में मानसून जाने में 30 सितंबर तक का समय लग सकता है और जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें तमाम जो अंदरूनी जिले हैं, खासतौर पर हम गढ़वाल कुमाऊं के अंदर से डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहां पर समय बारिश होने की संभावना जताई गई है, येलो अलर्ट किया गया है। 30 तारीख तक की अगर बात करें तो जिस दिन मानसून की क्योंकि वापसी का दौर शुरू हो चुका है, राजस्थान से इसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सितंबर के लास्ट यानी कि ये जो वीक है इसमें 30 तारीख तक का समय मौसम विभाग केंद्र की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में मौसम से जो इस समय बारिश की अगर बात करें तो देहरादून में भी हल्की फुल्की बारिश यहां पर देखी जा रही है। कई हिस्सों में बारिश, देहरादून के इलाकों में बारिश हो रही है। इसके अलावा हम चमोली, पिथौरागढ़ इन जगहों की बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरह से जो मौसम खुला हुआ था उससे एक बार फिर से गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही थी, अब मौसम जो खराब हुआ है यानी कि बारिश इससे हुई है तो बारिश की लेकिन भारी बारिश की वजह से वहां पर खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में हरीश सबसे ज्यादा खतरा लैंडस्लाइड का हो जाता है, रोड जो है वो स्लिपरी हो जाती है, फिसलने का खतरा होता है, एक्सीडेंट्स का खतरा हो जाता है। तो इस लिहाज से भी ये चेतावनी जारी की जानी बहुत जरूरी हो जाती है ताकि लोग जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले, एहतियात बरते। बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन क्योंकि अलर्ट दिया गया है तो सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है और बारिश की वजह से वाकई में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि लैंडस्लाइड और इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली थी, लेकिन इस समय की बात करें तो अब मानसून अपने अंतिम चरण पे है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बारिश भी हो लेकिन इससे सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। नदियां जो हैं वो अब अपने उफान से बहुत कम हैं लेकिन जिस तरह से अगर आज की अगर बात करें तो आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तो ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की पूरी अलर्ट इसलिए जारी किया जाता है ताकि जनहानि को किसी भी सूरत हाल में रोका जा सके, एहतियात बरती जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के वीसी अंशुल सिंह के शहर को सुंदर और हरा बनाने की जो मुहिम है वो तेज हो गई है। अंशुल सिंह रुड़की में निर्माणाधीन प्राधिकरण की कॉलोनी को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने यूपी सिंचाई विभाग के साथ साथ तहसील प्रशासन की टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी में जल निकासी के मामले को गंभीरता से लिया, अधिकारियों को इसका समाधान खोजने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा जल्द ही रुड़की शहर में लोगों को एक बेहतर कॉलोनी गंग नहर किनारे मिलेगी,
और ये लोगों के लिए वहां बड़ी सौगात लेकर आया जा रहा है। इस दौरान यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी के मुताबिक गंग नहर में किसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम ना होने दिया जाए, इसके लिए अलग से जल निकासी का कार्य पहले वहां पर करवाया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही दोनों विभागों से सहमति भी ले ली जाएगी और आपस में समन्वय भी बनाया जाएगा ताकि काम में कहीं कोई अड़चन ना आए। आज हमारी यूपी इरीगेशन के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन हो रहा है, इसमें विजिट्स का हमारा ये है कि कई जगह हमें वाटर के इश्यूज़ आते हैं कि निकासी के इश्यूज़ आते हैं, खासकर आसफ नगर में जो हमारी परियोजना बन रही है उसमें निकासी का योजना, तो उनसे हम लोग सजेशंस ले रहे थे। नहर में अगर पानी डाल सकते हैं तो क्या उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, अगर नहीं डाल सकते हैं तो क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस रहेंगे, तो एक ये तरीके से एक मंथन भी चल रहा था और साथ में हम लोग देख भी रहे थे कि प्रशासनिक तौर पर क्या फीजिबल है क्या नहीं है। साथ में हमने सुलानी पार्क का भी विजिट करा, वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था बिकॉज हमें यूपी इरीगेशन से कुछ एनओसीज आनी थी, तो उनकी तरफ से भी अभी पॉजिटिव रिस्पांस आया है, कुछ हमें प्रोजेक्ट्स को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उस प्रोजेक्ट को हम ले सकें। इसमें दो तरीके से काम हो सकता है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क को मॉडिफाई करके हम लोग करेंगे, नहीं तो डिपॉजिट वर्क के थ्रू करेंगे जिसमें हम फंड इनको ट्रांसफर करेंगे, देन दे विल गो अबाउट इट। विजिट हमारी जॉइंट विजिट थी, उसमें मेन मुद्दा इनका एक सोलानी पार्क का कंस्ट्रक्शन था जो कि वो दो नहरों के बीच की फिलिंग रिज का एरिया है और वहाँ पर जो है केवल मतलब एथनिक टाइप्स के वर्क्स ही हैं, ऑलरेडी पार्क बना हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग अलाउ नहीं करें। जी, तो अभी एक परियोजना जैसी बनाई जा रही है वाटर पार्क टाइप की और सहमति बनी है कि डिपॉजिट पे अगर विभाग को देंगे पैसा तो हायर लेवल से सेंक्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाता है तो वो है सर, जिस कोई ज़मीन इसमें नहीं जाने दी जाएगी, इसलिए हम लोग हैं आज। अच्छा, हाँ, हम लोग नोटिस जारी, जहाँ जहाँ भी इस तरह की है तो तत्काल नोटिस जारी हो रहे हैं विधिक कार्यवाही। देहरादून में प्रदेश में पोषाहार राशन योजना का काम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से छीनने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस और समूहों ने जिन महिलाओं को लेकर सचिवालय कूच किया, वहां पर जाकर जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में किया गया। ज्योति रौतेला के मुताबिक साल 2014 में मुख्यमंत्री हरीश रावत की कांग्रेस सरकार में 6 महीने से 3 साल और 14 से 18 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टेक होम राशन की सुविधा दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण और शहरी महिलाओं द्वारा ये कार्य किया जाता था, जिससे उनको भी रोजगार उपलब्ध मिलता होता था। लेकिन वर्तमान में धामी सरकार द्वारा भारत सरकार के उपक्रम एनसीसीएफ में उनको 250 करोड़ बिना किसी टेंडरिंग के देने की तैयारी की जा रही है, इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का रोजगार छीनने का काम हो रहा है, जिसको लेकर इन्होंने विरोध की आवाज उठाई और इसी के विरोध में इन्होंने सचिवालय जाकर वहां कूच किया। हम आज महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय के खिलाफ सचिवालय में कूच कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार में 2014 में टेक होम राशन एक योजना चली थी जो कि 6 महीने से 3 साल के बच्चों को, 14 साल से 18 साल की बच्चियों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार पहुँचाने का काम करती थी, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उस वक्त इस काम को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको रोजगार देने का काम किया था। भाजपा ने, रेखा आर्य जी ने, पुष्कर धामी जी ने, मुझे नहीं पता भाजपा ने ये क्यों करा, लेकिन आज हमारी उन महिलाओं से वो रोजगार छीन लिया। उन्होंने एनसीसीएफ नाम की भारत सरकार के उपक्रम को बिना किसी टेंडरिंग के 250 करोड़ का काम देने की उनकी तैयारी चल रही है और हमारी जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे उनका रोजगार छीनने का काम आज ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ हम सचिवालय कूच कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन करने के लिए ज्वेलर्स के शोरूम में 3 आरोपियों को लेकर वो पहुंची। घटना के 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूरी घटना का पुनरावृत्ति करवाई और वहां पर रिक्रिएट करवाया गया पूरा का पूरा क्राइम सीन। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया, डकैती के रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाया गया, जहां पर पूरी घटना को शोरूम स्टाफ के सामने ही रिक्रिएट किया गया। बता दें, शहर के पौष इलाके में हुई इस डकैती के मामले में अब तक 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि 1 आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि इस रिक्रिएशन से उन्हें इस घटना के बारे में और अहम सुराग मिल पाएंगे, जिससे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की दिशा में प्रगति हो सकेगी। ये डकैती के हमारे मुलजिम हैं जिनको PCR पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनसे
इनको PCR पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है। सर, सीन रिकेशन सर किस तरह से किया गया है सर यहाँ पर, कि यहाँ पे कैसे आए थे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके बारे में जानकारी। वहीं हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पानी के नए कनेक्शंस के बिल कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। यहां गणपति धाम और आसपास की कॉलोनियों में पेयजल निगम की ओर से दिए गए नए कनेक्शंस में कुछ घरों में पानी के 2 महीने के ही बिल हजारों में आ रहे हैं। इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इन बढ़े हुए बिलों को लेकर लोग अब शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि मात्र 2 महीने में 5 से लेकर 10 हजार से लेकर 45 हजार तक के लोगों के बिल आए हैं। इतना भारी भरकम बिल देखकर लोग हैरान हैं, परेशान हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय में पहुंचकर वहां पर नारेबाजी की, संबंधित अधिकारियों के कान में ये मुद्दा डाला या अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करवाने की कोशिश की। उपभोक्ता पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग कर रहे हैं। ये क्या दिया जा रहा है, 5 हजार 10 हजार 45 हजार तक का 2 महीने में पानी का बिल कैसे आ सकता है? विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए कनेक्शंस में पानी की खपत पता करने के लिए मीटर्स लगाए गए हैं। मीटर में जो भी रीडिंग आई है उसी के मुताबिक बिल जनरेट किए गए हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने पानी की पुरानी लाइनें बंद नहीं करवाई है, जिस वजह से लगातार उनकी जो पानी की सप्लाई है वो चल रही है। इस वजह से उनका हजारों में बिल आ रहा है, इस वजह से उनका बिल इतना ज्यादा बढ़ गया है। दीपिका शर्मा, और मेरा बिल पानी का 40,000 रुपए आया है, और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कितना पानी यूज़ कर लिया, 2 महीने का बिल उन्होंने 40,000 रुपया दे दिया है, और मैं टेंशन में आ गई हूँ कि इतना बिल कैसे जमा कराऊँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो जॉब पे रहते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, और मैं इतना बिल दे नहीं सकती। जो हमने प्रथम दृश्यता पाया है वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था, पानी चल रहा था, लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर समर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक हैं और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है, तो सर आपसे इसको जो है यूज़ करना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ जो है कम्युलेटिव होती गई और ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इनका आ गया है। इसे देखा जाएगा, जैसे जैसे लोगों की शिकायत आएगी इस पर विचार किया जाएगा, और जहाँ तक होगा उपभोक्ताओं के हित में जो है इसको ठीक किया जाएगा। खबर उड़गे से, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुजर गांव में 22 सितंबर को एक अनियंत्रित कार ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक शख्स की जान चली गई। वहीं गांव के एक पक्ष ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। मामला शांत अभी भी नहीं हुआ। बीती रात भी दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपिटाई हुई है, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए और दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल हुआ, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामले को शांत करवाया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में तफ्तीश चल रही है और जो भी साक्षी होंगे उसके आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। तीन चार दिन पहले का है, गाँव में एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ वो तीसरे गाँव का आदमी है, कोई यहाँ का नहीं है, ना पाडली का है ना तेली वाले का है। जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ उनसे कंप्रोमाइज हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई तहरीर नहीं दी, कोई बात नहीं करी। उसके बाद 2 घंटे के बाद इन ये जो तेली वाले के लोग हैं, मसरूफ इकबाल के लड़के, इन्होंने गाड़ी के लेके हथौड़े से क्या क्या 3-4 लड़कों को बुला पूरी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ने के बाद फिर इन्होंने 2 दिन के बाद मीटिंग करी रात को अपने घर बुला के, कल भी मीटिंग हुई, वहाँ पर पुलिस भी आई और इनके ऊपर मुकदमा भी है हमने दर्ज कराया गाड़ी तोड़ने का। फिर आज वो लड़का जो आमिर है वहाँ को जा रहा था, इन्होंने फिर उसको कुछ गलत बात कही, गंदी बात कही जाते हुए उकसाया, उसके बाद फिर ये झगड़ा हुआ। हमारी तरफ से 1 घायल है, उधर से 2 या 3 है, मुझे सही उनका पता नहीं कितने हैं। शाम को 6 बजे के अराउंड झगड़े का केस आया था पाडली गुज्जर से, जिसमें कि 4 का मेडिकल हुआ है, उसमें से 3 लोग गंभीर स्थिति में थे और 1 महिला थी जो कि सिंपल चोटें थी उसमें। तो उसमें से एक जो है मशरूफ, वो तो काफ़ी गहरी चोट थी उसके सर पे, तो उसको हमने तो आते ही सीधा रेफ़र कराया, वो गया है रेफ़र सीधा एम्स ऋषिकेश के लिए, और बाकी जो 2 साथ के हैं उसके, ठीक है, उनको भी हमने रेफ़र कराया CT के लिए और एक्सरे वगैरह के लिए, पर एक है जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, उसका नाम है मशरूफ। देखिए जी, अभी जो हमें चोटें यहाँ पर देखी गई हैं एग्जामिनेशन के तौर पे, तो वो तो ऐसी लगी है कि धार तो नहीं, पर हाँ जैसे धारदार कोई चीज़ होती है तो उसके पिछले हिस्से से वैसे ही मारी हुई चोट होती है, तो फिलहाल तो वही है, पर एक बार CT और एक्सरे की रिपोर्ट आएगी तो उस समय कंफर्म हो जाएगा। हाँ, ये विगत दिनों
कोतवाली गंगनहर क्षेत्रांतर्गत पार्टी गुजर तेलीवाला गांव में एक स्कॉर्पियो के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से चलते हुए एक बाइक को टक्कर मारी गई थी, जिसमें दो युवक घायल हो गए थे जो हरियाणा के निवासी होना ज्ञात हुआ था। इस संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उन दो घायल युवकों में से एक युवक पंकज निवासी गुड़गांव हरियाणा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है, जबकि दूसरा युवक अभी उपचाराधीन है। इस संबंध में विवेचक को निर्देशित किया गया है कि वो उक्त युवक की मृत्यु के कारण जो स्थिति के कारण अब विवेचना में धाराओं की तरमीमी कर अग्रिम विधि कार्रवाई का मामला है। वहीं केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड में हुआ है बड़ा हादसा। यहां मैक्स वाहन राजमार्ग से गिरकर मंदाकिनी नदी में समा गया। वाहन में चालक सहित 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 को रेस्क्यू किया जा चुका है। एक व्यक्ति का रेस्क्यू जारी है। सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं वाहन में यूपी, कोलकाता, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के यात्री सवार थे, ये बताया जा रहा है। आज सुबह 9:55 पर सूचना प्राप्त हुई कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रही एक शटल सेवा वाहन, जिसमें कि 13 से 14 यात्री सवार थे, वह गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पीछे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि 13 यात्रियों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब बताया जा रहा है कि उसमें एक यात्री और था, जिसका कि सर्च जारी है, और जिसमें कि NDRF, SDRF, पुलिस और जिला और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी वहां से भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को काशीपुर हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों जसपुर में हुई सराफा व्यापारी से लूट की घटना को इसी बदमाश ने अंजाम दिया था। इससे पहले इस बदमाश पर पहले भी कई सारे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। कल रात जसपुर थाना क्षेत्र के सूत मिल चौकी पर चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के लिए रोका गया, परंतु वह नहीं रुके और आगे की तरफ बढ़ गए। जब वह धर्मपुर चौकी के पास पहुंचे तो धर्मपुर चौकी ने बैरियर डालकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इतने समय में उन्होंने अपनी गाड़ी को फेंक कर जंगल की तरफ चले गए। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और साथ में पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम दिलशाद बताया, जो काशीपुर का रहने वाला है, और उसके द्वारा दिनांक 14 को जसपुर थाना क्षेत्र में लूट की एक घटना को अंजाम दिया गया था। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।